नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम कंसिस्ट ऑफ फोर बेसिक लेयर ऑफ डिफरेंट सेल टाइप. दे आर सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा फ्रॉम द आउटसाइड इनवर्ड. तो अगर हम एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर देखें तो वॉल जो होती है एलिमेंट्री कैनाल की वो ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक होती है. इसमें चार बेसिक लेयर होती हैं जो अलग अलग सेल्स की बनी होती हैं. ये लेयर जो हैं वो अगर हम बाहर से अंदर की तरफ देखें तो सबसे बाहर वाली लेयर सिरोसा होती है, सिरोसा मस्कुलारिस. उसके बाद सबम्यूकोसा लेयर होती है, उसके नीचे फिर म्यूकोसा होती है बाहर से अंदर की तरफ. तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है इस तरीके का स्ट्रक्चर, अगर हम इसका सेक्शन काट के देखें ट्रांसफर सेक्शन एलिमेंट्री कैनाल का, तो ये आपको दिखाई देती हैं बेसिक लेयर जो है एलिमेंट्री कैनाल की, ये होती हैं. तो ट्रांसफर सेक्शन को अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें ये सारी लेयर्स आराम से दिखाई देती हैं बाहर से अंदर की तरफ एलिमेंट्री कैनाल में. टिश्यू की बात करें कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन से टिश्यू होते हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं, डायग्राम में भी दिया हुआ है और आपकी स्क्रीन पे भी है कि टिश्यूज और सेल्स कौन कौन सी होती हैं. तो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा. म्यूकोसा इनर मोस्ट लेयर होती है. फंक्शन भी इसका आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दिया हुआ है और डायग्राम में भी सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सिरोसा, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा के बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ है. फोर लेयर्स आपको देखने को मिल जाती हैं. स्ट्रक्चर जो है ये लेयर का वेरी करता है डिफरेंट रीजन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है इनका. वॉल जो एलिमेंट्री कैनाल की, इसमें फोर बेसिक लेयर होती है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा. म्यूकोसा जो है उसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं क्योंकि म्यूकोसा प्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक होता है इसका. अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे.